फर्स्ट वर्ड वी हैव डेसीमेट डेसीमेट इसका मतलब होता है बर्बाद करना या तबाह करना फॉर एग्जाम्पल दे आर ट्राइंग टू डेसीमेट विलेज दे आर ट्राइंग टू द विलेज वे लोग गांव को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं दे आर ट्राइंग टू द विलेज नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिफ्रेंड बिफ्रेंड इसका मतलब होता है दोस्त बनाना फॉर एग्जाम्पल आई कैन बी फ्रेंड पीपल वेरी ईजीली आई कैन बी फ्रेंड पीपल वेरी इजिल मैं लोगों को आसानी से दोस्त बना सकता हूँ आई कैन बी फ्रेंड पीपल वेरी इजिली नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंटागोनाइज एंटागोनाइज इसका मतलब होता है दुश्मन बनाना फॉर एग्जाम्पल यू हैव एंटागोनाइज टू मनी पीपल यू हैव एंटागनाइज टू मनी पीपल तुमने बहुत सारे लोगों को दुश्मन बना लिया है यू हैव एंटोगनाइज टू मैनी पीपल अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट फिगर आउट इसका मतलब होता है पता लगाना या समझना फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट बाई द कैमरा इज नॉट वर्किंग

Most, इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा फॉर एग्जाम्पल ही कैन बीट मी मुझे पीट सकता है, have, wisdom. Wisdom, इसका मतलब होता है बुद्धिमानी फॉर एग्जाम्पल लिसन टू हिज वर्ड ऑफ विस्टम लिसन टू हिज वर्ड ऑफ विस्टम उसकी बुद्धिमानी की बात को सुनो लिसन टू हिज वर्ड ऑफ विस्टम नेक्स्ट वर्ड वी हैव लॉन्गिंग Longing, इसका मतलब होता है चाहत या तरसना या फिर या तड़प फॉर एग्जाम्पल रहा हूँ इसका मतलब होता है बहकाना फॉर एग्जाम्पल आई वॉज मिस गाइडेड बाई हिम आई वॉज मिस गाइडेड बाई हिम मुझे उसके द्वारा बहकाया गया आई वॉज मिसडेड बाई हिम अगला हमारा एक वर्ब है पुट अप विथ Put up with, इसका मतलब होता है सहन करना फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग अप हिज बिहेवियर आई एम पुटिंग अप हिज बिहेवियर मैं उसके व्यवहार को सहन कर रही हूं आई एम पुटिंग अप हिज बिहेवियर नेक्स्ट वर्ड वी हैव फेमाइन फेमाइन इसका मतलब होता है भूखमरी या अकाल फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ फेमाइन अ लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ फेमाइन अ लॉट ऑफ पीपल डाइड भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मर गए या फिर अकाल के कारण बहुत सारे लोग मर गए बिकॉज ऑफ फेमाइन लॉट ऑफ पीपल डाइड नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है शो अप शो अप इसका मतलब होता है आना या पहुंचना फॉर आई आई विल विल शो शो अप अप ऑन ऑन टाइम टाइम मैं समय पर पहुंच जाऊंगा या मैं समय पर आ जाऊंगा आई विल शो अप ऑन टाइम नेक्स्ट वर्ड वी हैव हिडियस हिडियस इसका मतलब होता है बदसूरत या खौफनाक फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग हिडियस टूडे यू आर लुकिंग हिडियस टूडे तुम आज खौफनाक या बदसूरत दिख रही हो यू आर लुकिंग हिडियस टूडे नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है बैकअप बैकअप इसका मतलब होता है समर्थन करना फॉर एग्जाम्पल आई विल बैक यू अप नो मैटर वॉट आई विल बैक यू अप नो मैटर वॉट चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा आई विल बैक यू अप नो मैटर वॉट नेक्स्ट वर्ड वी हैव सप्रेस सप्रेस इसका मतलब होता है दमन करना या दबाना या कुचलना फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज सप्रेसिंग पीपल्स वॉइस गवर्नमेंट इज सप्रेसिंग पीपल्स वॉइस सरकार जनता की आवाज दबा रही है गवर्नमेंट इज सप्रेसिंग पीपल्स वॉइस नेक्स्ट वर्ड वी है धैर्य से या राइट टाइम पेशेंटली वी शुड वेट फॉर द पेशेंटली हमें धैर्य पूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए नेक्स्ट right हमारा एक एडियम है बिग चेस बिग चेस इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल राधा इज अग चेस इन द कंपनी राधा इज बिग चेस इन द कंपनी राधा कंपनी में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है राधा इज कंपनी। नेक्स्ट वर्ड वी इसका मतलब होता है बाहर आना या काबू पाना फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ओवरकम योर फियर यू हैव टू ओवरकम योर फियर आपको अपने डर पर काबू पाना होगा यू हैव टू ओवरकम योर फियर नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिपोर्टमेंट डिपोर्टमेंट इसका मतलब होता है चाल चलन या व्यवहार फॉर एग्जाम्पल डिपोर्टमेंट इज नॉट गुड इस डिपोर्टमेंट इज नॉट गुड उसका चाल चलन या व्यवहार अच्छा नहीं है इस डिपोर्टमेंट इज नॉट गुड नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है अदियर तू. अदियर तू. इसका मतलब होता है पालन करना फॉर एग्जाम्पल वी शुड अदियर टू द लॉ वी शुड अदियर टू द लॉ हमें कानून का पालन करना चाहिए वी शुड अदियर टू द लॉ नेक्स्ट वर्ड हमारा है विद ड्रॉ विद ड्रॉ इसका मतलब होता है निकालना फॉर एग्जाम्पल आई एम विथ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम ए टी एम मैं से पैसे निकाल रहा हूं। इसका मतलब होता है जमा करना या रखना फॉर एग्जाम्पल आई डिपोजिटेड टेन थाउजेंड इन माई अकाउंट आई डिपोजिटेड टेन थाउजेंड इन माई अकाउंट मैंने अपने खाते में दस हजार रुपए जमा किए डिपोजिटेड टेन थाउजेंड रुपीज इन माई अकाउंट नेक्स्ट वर्ड वी enraged. इन इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा फॉर एग्जाम्पल शी इज इन एट मी शी इज इन एट मी वह मुझ पर काफी गुस्सा है शी इज एट मी अगला वर्ड है है हमारा ताइनी, ताइनी, इसका मतलब होता है, काफी छोटा फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टाइनी हाउस फॉर मी दिस इज अ टाइनी हाउस फॉर मी यह मेरे लिए काफी छोटा घर है दिस इज अ टाइनी हाउस फॉर मी नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है बियर आउट बियर आउट इसका मतलब होता है पुष्टि करना या साबित करना फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बेयर योर सेल्फ आउट इन द कोर्ट यू the कोर्ट तुम्हें अपने आप को कोर्ट में साबित करना होगा यू हैव टू बेयर है संधि या समझौता फॉर एग्जाम्पल इंडिया with विथ पाकिस्तान इंडिया a treaty विथ पाकिस्तान भारत ने पाकिस्तान के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए इंडिया signed a ट्रीटी with पाकिस्तान नेक्स्ट वर्ड वी हैव एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेट इसका मतलब होता है प्रशासन करना या चलाना फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री गवर्नमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री सरकार देश पर प्रशासन कर रही है या फिर चला रही है अगला वर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है प्रशासन फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन शुड डू समथिंग टू कंट्रोल द केस एडमिनिस्ट्रेशन शुड डू समथिंग टू कंट्रोल द केस अराजकता को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन शुड डू समथिंग टू कंट्रोल द केस

अन इसका मतलब होता है घाटे वाला या हानिकारक या फिर लाभहीन फॉर एग्जाम्पल दिस कंपनी इज अनप्रॉफिटेबल नाउ दिस कंपनी इज अनप्रॉफिटेबल नाउ यह कंपनी अब घाटे वाली है दिस कंपनी इज अनप्रॉफिटेबल नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल इसका मतलब होता है मुनाफे वाला या लाभदायक फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ट्रेडिंग इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस व्यापार एक लाभदायक व्यवसाय है ट्रेडिंग इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस नेक्स्ट वर्ड वी हैव फेवरेबल फेवरेबल इसका मतलब होता है अनुकूल फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन टू लिव दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन टू लिव यह रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति है दिस इज अ फेवरेबल कंडीशन टू लिव अगला वर्ड है हमारे पास में अनफेवरेबल अनफेवरेबल इसका मतलब होता है प्रतिकूल फॉर एग्जाम्पल लिविंग इन रशिया इज अनफेवरेबल फॉर अस लिविंग इन रशिया इज अनफेवरेबल फॉर अस रशिया में जीना हमारे लिए प्रतिकूल है फॉर अस अगला टेम्परेचर टेम्परेचर इसका मतलब तापमान फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ रशिया इज क्वाइट लो रशिया का तापमान काफी कम होता है टेम्परेचर ऑफ रशिया अगला वर्ड हमारे पास में डीमन डीमन इसका मतलब होता है राक्षस दानव्य असुरपल रावन वॉज अ डीमन रावण वॉज अ डीमन रावण एक राक्षस था रावण वॉज अ डीमन अगला वर्ड है हमारे पास में इंटीग्रेट इंटीग्रेट इसका मतलब होता है जोड़ना या एकत्रित करना फॉर एग्जाम्पल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेटेड इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेटेड इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकत्रित किया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटीग्रेटेड इंडिया नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंटीग्रल इंटीग्रल इसका मतलब होता है अभिन्न फॉर एग्जाम्पल

नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंपटीशन कंपटीशन इसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा फॉर एग्जाम्पल आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन मैं इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा हूँ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन अगला वर्ड हमारे पास में इम्पैक्ट इम्पैक्ट इसका मतलब होता है असर या प्रभाव या प्रभावित करना फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल विल इम्पैक्ट यू बैडली एल्कोहल विल इम्पैक्ट यू बैडली शराब आपको बुरी तरह से प्रभावित करेगा एल्कोहल विल इम्पैक्ट यू बैटली अगला वर्ड हमारे पास में रूरल रूरल इसका मतलब होता है ग्रामीण फॉर एग्जाम्पल आई कम फ्रॉम रूरल एरिया आई कम फ्रॉम रूरल एरिया मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ आई कम फ्रॉम रूरल एरिया नेक्स्ट वर्ड वी है मतलब होता है शहरी फॉर एग्जाम्पल अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली शहरी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है

ब्रिटिश इम्पोवरिस्ट इंडिया ब्रिटिश ने भारत को गरीब बना दिया ब्रिटिश इम्पोवरिस्ट इंडिया नेक्स्ट वर्ड वी हैव पॉवर्टी पॉवर्टी होता है गरीबी फॉर एग्जाम्पल दे आर लिविंग इन पॉवर्टी दे आर लिविंग इन पावर्टी वे लोग गरीबी में जी रहे हैं दे आर लिविंग इन पॉवर्टी आज का हमारा आखिरी वर्ड है सॉलिट्यूड सॉलिट्यूड इसका मतलब होता है अकेलापन या तनाई फॉर एग्जाम्पल शी इज लिविंग इन after आफ्टर हर death. डेथ शी इज लिविंग इन after आफ्टर हर death. पति की मौत के बाद वह तन्हाई में जी रही है शी इज लिविंग इन solitude आफ्टर हर husband's डेथ और ये हमारा अंत है वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस से तो, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग